अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया। भारतीय रेलवे भारत के समाज जीवन की लाइफलाइन है। महोदय, मैं एक वाक्य में इस रेल पर बजट पर बधाई देना चाहूँगा। ज़्यादा समय आपका इसमें नहीं लगाऊंगा कि माननीय रेल मंत्री जी और माननीय रेल राज्य मंत्री जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने साहसिक बजट दिया है, क्रांतिकारी बजट दिया है। माननीय मोदी जी की अगुवाई में ऐसा बजट दिया है जो देश के अंदर अब तक जो ये बैकलॉगिंग थी उसे पूरा करके और भारतीय रेलवे को सुदृढ़ीकरण करने का एक बजट दिया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं ये लोक लुभावन घोषणाओं से बचे हैं पुराने माननीय रेल मंत्री जी और हमारे कांग्रेस के आदरणीय नेता। जब कल प्रहलाद जोशी जी बोल रहे थे तो वो कहे कि वो एक पुरानी कहावत उन्होंने सुनाया कि वो कर्ज लेके घी खाने का, वो चार्वाक दर्शन कर ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद यावत जीवेद सुखम जीवेद का हिंदी रूपांतरण बोल रहे थे। मैं माननीय खड़गे साहब को और अन्य ऐसे विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि अभी आत्मविश्लेषण की जरूरत है कि ऋण लेने की जरूरत क्यों पड़ी। 60 साल आप शासन चलाए, आपने ऐसी परिस्थितियां छोड़ी कि ऋण लेके आज बुलेट ट्रेन लेके चलना पड़ रहा है, लेकिन यह क्रांतिकारी ट्रेन है। कल जब यह बुलेट ट्रेन चलेगी और देश में यह सुदृढ़ बजट और ऐसे हमारे माननीय अन्य हमारे जो बजट और क्रांतिकारी निर्णय माननीय मोदी जी की अगुवाई में हो रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा आने वाले दिनों में हम लोगों को अन्य देशों को ऋण देने की हैसियत में जाएंगे। इस तरह का हमारा क्रांतिकारी कदम है। मैं इस बात के लिए बधाई देते हुए आगे माननीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिए कि हर छोटी बड़ी कठिनाइयों का इस बजट में ध्यान दिया गया है। जहां पर वाईफाई ऐसी आधुनिक सुविधाओं का ध्यान दिया गया है, वही इस बात को ध्यान दिया। बंगाल के माननीय सदस्य, बिहार के माननीय सदस्य जब उधर से कह रहे थे तो मैं सोच रहा था कि काश यह पहले ध्यान दिया गया होता कि आज थर्ड लाइन गाजियाबाद से अलीगढ़ के बीच दी गई, ये थर्ड लाइन इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच दी गई, यही दो जाम ट्रैक था। इसका चिन्हीकरण घोषणा वाले रेल मंत्रीगण ने क्यों नहीं ध्यान दिया। इस पर 2300 करोड़ से ज्यादा मुगलसराय इलाहाबाद पर और 400 करोड़ से ज्यादा जो है गाजियाबाद अलीगढ़ पर देके हमारे रेल मंत्री जी ने, रेल राज्य मंत्री जी ने ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया है जिसका लाभ ये हावड़ा दिल्ली लाइन पर पूरे भारत को मिलेगा, बंगाल को मिलेगा, बिहार को मिलेगा, असम को मिलेगा, पूरे पूर्वोत्तर को मिलेगा, क्योंकि यही ट्रेनें जाम होती थी और इस ट्रेनों के ट्रैक की चिंता की गई। ये इस नाते बहुत ही बधाई का के पात्र हैं। ये तमाम ऐसी सुविधाओं का मैं बहुत सा वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन आप मैं देख रहा हूँ आप घंटी बहुत जल्दी बजा देना, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि थोड़ा हमारे में रहम करिएगा। यहाँ पर ऐसे तमाम औड़िहार जौनपुर डबली लाइन पूर्वांचल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो आज एक क्रांतिकारी है। औड़िहार भदोही जंघई रेलवे लाइन और हमारे आशापुर रेलवे क्रॉसिंग का ये रेलवे क्रॉसिंग और ओवरब्रिज का मेरे क्षेत्र में बाबतपुर में कंप्यूटरीकृत आरक्षण का ये बधाई का पात्र है। मुगलसराय को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है, यह बहुत बधाई के पात्र हैं माननीय रेल मंत्री। और आगे आने वाले दिनों में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कुछ और ऐसे निर्णय हैं जो आपके सामने हैं, जैसे इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पर इतनी सूक्ष्मता से विचार किया है, जैसे आपके रेणुकूट चौपन की डबलिंग किया है, रमना सिंगरौली की डबलिंग किया है, बलिया गाजीपुर की डबलिंग किया है, वाराणसी और ये मरु आगे जो है ये रोसा सीतापुर कैंट ये डबलिंग, ये सब चीजें की गई हैं। ऐसे तमाम ऐसे निर्णय किए गए हैं, यहाँ तक कि हर जरूर छोटी से छोटी जरूरतों का फैजाबाद लालगंज वाया अकबरगंज इस काम को, कानपुर कैसरगंज मथुरा ये गैस कन्वर्जन, ऐसे छोटे छोटे हर विषयों पर ध्यान दे करके रेलवे को बहुत ही सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है, इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं आज माननीय मैं एक दो मिनट बस दो मिनट मुझे आपसे दो मिनट से जरा भी ज़्यादा लूँ तो मुझे आप डांट सकते हैं। माननीय आपके बीच में
यहाँ पर तमाम हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिसको मैं आपके माध्यम से उठाना चाहूंगा कि वहां पर हमारे क्षेत्र में कचमन में मटकट्टा में जाम रहता है, वहां ओवरब्रिज की मांग मैं माननीय रेल मंत्री जी से करना चाह रहा हूं। मैं सुझाव देना चाह रहा हूं, दो आने वाला 2016 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का शताब्दी वर्ष है, मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों से जुड़ा हुआ, उनकी पूर्ण स्मृतियों से जुड़ा हुआ स्थान है। मुगल सराय से लखनऊ उनकी एक विशेष कर्मभूमि थी, दिल्ली कर्मभूमि थी, वहां से सीधी ट्रेन उनकी स्मृतियों में आए उनके नाम से दीनदयाल उपाध्याय एक्सप्रेस, या उनका जो दर्शन जिन्होंने आधुनिक भारत में एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, तो एकात्मता ट्रेन चलाने का आज 2016 में पंडित दीनदयाल जी की स्मृतियों में यह मैं आग्रह करना चाहता हूँ, यह एक विशेष काम करने का काम करें। अंत में गरीबों के लिए एक विशेष निवेदन, विशेष प्रार्थना, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में एक चीजें देखने को मिलती हैं, मैं चाहूंगा हमारे अन्य सदस्य भी इस पर हमारी बात का समर्थन करेंगे कि जब ये गरीब आदमी साधारण टिकटधारी जब स्टेशन पर पहुंचता है, साधारण टिकट मानव बहुत जरूरी है, एक मिनट मानव गरीब आदमी स्टेशन पर साधारण टिकटधारी जब पहुंचता है तो वहां पर जीआरपी के आरपीएफ के झुंड और रेलवे के टीटी ऐसे लपकते हैं जैसे उनका शिकार आ गया है। मुंबई में गया है कमाई करने, उसने थोड़ा सा कोई गठरी लिया उसको ऐसा लपकते हैं, आम आदमी क्या नहीं उसी को लपकते हैं, उसका टिकट छीनते हैं, उसको पैसे उसूलते हैं, उसके संग दुर्व्यवहार करते हैं। इसके लिए एक विशेष व्यवस्था माननीय की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात को विपक्ष से तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस बात का धन्यवाद दें कि आप जो